श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस वास्तु चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वास्तु का सब्जेक्ट को लेके। फ्रेंड्स, कई व्यूअर्स हमें हमेशा कहते हैं कि सर, हमारे घर के अंदर इनकम फ्लो तो ज्यादा अच्छा नहीं है, बट हमारे खर्चे इतने कुछ बढ़ चुके हैं कि पैसे भी कम आ रहे हैं और खर्च भी बढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आप उन्होंने दो कंप्लेन हमें की है कि पैसा भी कम आ रहा है पर खर्च बढ़ रहे हैं। तो जो वास्तु दोष के अंदर, यही तो चीज है कि आपको ये समझना है कि वास्तु दोष के अंदर ऐसा कौन सा दोष होता है जो इनकम भी हमारी घटा सकता है और उसके विपरीत हमारे खर्चे भी बढ़ा सकते हैं। यानी आमदनी हमारी अठन्नी है, खर्च रुपया है। पैसा कम आ रहा है पर ज्यादा रहा है, पानी की माफक जा रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या ये जो वास्तु से ऐसा कुछ इसका संबंध है? तो इस पूरे एपिसोड के अंदर आपको यही पता चलेगा अगर हमारे घर के अंदर वास्तु डिस्टर्ब हो, खास करके अग्नि कोण हमारा डिस्टर्ब हो, साउथ दिशा डिस्टर्ब हो, फायर जोन जिसे हम कहते हैं, अगर वहां पे एंटी एक्टिविटी, शौचालय आ गया, जल तत्व आ गया, तो इससे आपके वास्तु के अंदर एक वास्तु दोष क्रिएट हो होगा जिससे क्या होगा, लक्ष्मी जी हमसे रूठी रूठी रहेगी। क्योंकि फायर जोन के अंदर लक्ष्मी सुख है, शुक्र प्लेनेट है, वहां पे वीनस ग्रह, वीनस प्लेनेट का वास है, शुक्र ग्रह का वहां पे वास है। अगर वहां पे शौच करेंगे हम, तो हमारे घर के अंदर से जो कहते हैं लग्जरियस हमारी कम हो जाएगी, पैसा आएगा भी नहीं, पैसा टिकेगा भी नहीं, और घर के अंदर हमेशा आर्थिक कटौती और आर्थिक संघर्ष रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वो कैसी घटना है, उसको किस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के द्वारा। आशा करता हूँ आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इसके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप उस वीडियो का लुफ्त उठा सके। फ्रेंड्स, अब हमारे टॉपिक की तरह बढ़ रहे हैं और आप ये वीडियो पूरी अंत तक देखना, ये मैं आपसे आशा रखता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी, ये पूरा वास्तु मंडल है। आज की जो हमारी फरियाद है, आज का जो हमारा टॉपिक है, घर में पैसा भी कम आ रहा है और पैसा टिक भी नहीं रहा है। अगर कहीं पे घर में बेशुमार दौलत भी आएगी तो भी मैं जो बता रहा हूँ उस तरह का अगर वास्तु दोष होगा तो उससे आपके घर के अंदर हमेशा पैसे की झिझट रहेगी, हमेशा मनी क्रेजिस रहेगी, मनी की प्रॉब्लम्स आएगी, पैसा नहीं टिकेगा। हफ्ते के आखिरी दिन तक तो आपकी बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व, इतनी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी कि एक एक दिन बिताना भारी पड़ेगा। और जॉब से रिलेटेड इंसान की जिंदगी यही है। फ्रेंड्स, अगर आपका ये पूरा एक वास्तु मंडल है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो अग्नि कोण है। इस अग्नि कोण के अंदर किसी भी कारण बस समझो कि यहाँ पे आपकी शौचालय आ गई, तो फ्रेंड्स आपके साथ क्या होगा? तो देखिए, ये शौचालय अगर अग्नि कोण के अंदर आ रही है तो यहाँ पे आपकी फायर जोन भी डिस्टर्ब हो रही है और साथ साथ नॉर्थ जोन भी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि ये इसकी इफेक्ट यहाँ पे करेगी। यानी नॉर्थ को जल तत्व कहते हैं और अग्नि कोण को फायर कहते हैं। अगर जल फायर में आ जाएगा तो दोनों की एक्टिविटी इतनी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव एक्टिविटी होगी कि पैसा भी आना बंद हो जाएगा और खर्चे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ आपके धन कमाने के अवसर, धन आने के रास्ते, जो कहते हैं ना, दुकान के अंदर कस्टमर आएगा तो धन आएगा, तो कस्टमर आने के संजोग, धन कमाने के संजोग हमें कौन सी दिशा देती है? तो नॉर्थ डायरेक्शन देती है। अगर अग्नि कोण के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु है और वो वास्तु पानी के द्वारा हुआ है, यानी शौचालय के अंदर जो हम पानी का यूज करते हैं और हमारी डिस्पोजल एक्टिविटी है, अगर उस कारण अगर हमारा वास्तु दोष बन रहा है तो हमारा जल तत्व भी बिगड़ रहा है और घर के अंदर कभी भी हमें पैसे की इतनी प्रॉब्लम सताती रहेगी कि हमारे घर में पैसा नहीं टिकेगा, जाने लक्ष्मी जी हमसे रूठ गई हो। तो घर के अंदर आए दिन पैसे की समस्या रह रही है, पैसा टिक नहीं रहा, धन नहीं बढ़ रहा, बचत नहीं हो रही, घर में पैसे की वजह से झगड़े हो रहे हैं, हेल्थ इश्यू आ रहे हैं। पैसे जाने के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, आने का एक रास्ता तो ऑलरेडी बंद हो गया पर उनके जाने के हजार रास्ते खुल जाएंगे। जैसे कोई भी नुकसान हो गया, हेल्थ डिस्टर्ब हो गई, एक शौचालय मात्र से, वहां पे पानी क्या है मात्र से। तो अगर आपके घर के अंदर भी इस तरह से कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही मदद वाला रहेगा, बहुत ही सहायता देगा कि इस एपिसोड में मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। मान लो कि आपके घर के अंदर शौचालय है अग्नि कोण के अंदर, तो वहां आप क्या रेमेडी करोगे? तो अब मैं आपको एक रेमेडी पार्ट दिखा रहा हूँ। अगर आपके अग्नि कोण के अंदर इस तरह से शौचालय है, ये इंडियन शौचालय है, अगर आपके वहां पे देसी, यानी ये इंग्लिश शौचालय है, वेस्टर्न शौचालय है इस तरह से, और ये आपके वहां पे अगर ऐसे इंडियन शौचालय है तो उसकी क्या रेमेडी है? तो आपको शौचालय के इर्द गिर्द इस तरह आपको वहां पे एक
पट्टी का यूज करना पड़ेगा, जो जो टेप वाटरप्रूफ कलर ले लो, या ऐसी एक 4 इंच की ऐसी टेप ले लो जो वाटरप्रूफ है, जो फ्लोर से उखड़े नहीं, चाहे वहां आप लाल कलर की टेप लगा दो या फिर ग्रीन कलर की टेप लगा दो। तो ग्रीन कलर भी आप लगा सकते हो, रेड कलर भी लगा सकते हो। मैं कहूंगा ग्रीन कलर को आप फर्स्ट रेफरेंस दो, क्योंकि ये ज्यादा वास्तु दोष का नियंत्रण करेगा। अगर अग्नि कोना बड़ा हुआ है तो रेड टेप तो नहीं लगानी। अगर अग्नि कोना बड़ा हुआ है और उसमें आप रेड कलर डालोगे तो वो वहां की नेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर न्यूट्रल है तो आप रेड कलर यूज कर सकते हो। अगर अग्नि कोना घटा हुआ है या बड़ा हुआ है तो वहां पे ग्रीन टेप लगा सकते हो। यही इसका इलाज है। अगर आपके अग्नि कोण के अंदर शौचालय है, वहां पे आपका बाथरूम है और आपका वाटर एलिमेंट वहां पे डिस्टर्ब हो रहा है, फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, आपके कोई भी प्रकार की शौचालय है, इंडियन शौचालय है या फिर वेस्टर्न शौचालय है, तो आप ग्रीन कलर फर्स्ट रेफरेंस देना। ग्रीन कलर की टेप चारों तरफ इस तरह से मार दीजिए, नहीं तो रेड कलर की टेप इस तरह से मार दीजिए। बट एक वास्तु कंसल्टेंट को फोन करके आप पूछना कि हमें क्या करना है। और इससे भी थोड़ा एक और कहते ना खर्च वाला उपाय दिखा रहा हूं। अगर आपके पास ये टेप की मेंटेनेंस करने के टाइम नहीं है और आप बार बार ये टेप उखड़ जा रही है, वहां पे जो कलर मार रहे हो वो कलर निकल जा रहा है और वापिस प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, तो आपको क्या करना है? तो इसके एक परमानेंट सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्या करें। इस टेप की जगह आप ब्रास की पट्टी भी मार सकते हो, ब्रास की तार भी डाल सकते हो पीतल की, ये भी एक रेमेडी है। और दूसरी बहुत ही इंस्टेंट और शीघ्र फल देने वाली रेमेडी है ये कॉपर के बूस्टर। तो यहाँ पे आप देखोगे ये दो तरह के बूस्टर है, ये पूरे एक पैकेट के अंदर आएंगे और यहाँ पे इसके यहाँ एक क्लैंप आएगा। तो दोनों कॉपर बूस्टर को आपके शौचालय के आउटर की साइड दोनों तरफ एक एक लगा दीजिए। तो यहाँ आपको दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, एक यहाँ पे लगाया। इस तरह से इस कॉपर बूस्टर को आप हैंग कर दीजिए, जिससे आपके टॉयलेट की नेगेटिविटी कंट्रोल होगी, वहां का वास्तु दोष दूर होगा और घर के अंदर धन वृद्धि होगी। अग्नि क्षेत्र के शौचालय के वास्तु दोष निवारण हेतु लगा सकते हैं। कॉपर हाई ग्रेड क्रिस्टल टॉयलेट प्रोटेक्टर, ये एक बहुत ही परफेक्ट है, साउथ ईस्ट टॉयलेट के लिए भी है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में है और साउथ में ये इतनी डायरेक्शन की अगर आपके घर में शौचालय है तो ये प्रोटेक्टर आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। ये आपकी नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करेगा, पॉजिटिविटी को क्रिएट करेगा। आपके घर के अंदर धन संबंधित कोई भी समस्या है, पैसा आ नहीं रहा, टिक नहीं रहा, कोई भी समस्या है, वहां से आपको छुटकारा हो जाएगा। अगर आप अग्नि कोण का कोई भी उपाय करते हैं, खास करके टॉयलेट को लेके, तो आपको एक और उपाय करना पड़ेगा, ये भी आपके माइंड में से निकल ना जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे ये चीज देखनी है। अगर अग्नि कोण के अंदर शौचालय है तो आपको 100% वहां पे उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद एक ब्लू कलर का बल्ब नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आप वाटर को क्लोज कर रहे हो, वाटर को ब्लॉक कर रहे हो, तो ब्लू कलर का एक बल्ब एलईडी लाइट नॉर्थ में लगाना है, जिससे आपके घर के अंदर पैसे की इनकम रहेगी, पैसा बढ़ोतरी में आएगा, धन समृद्धि के नए नए अवसर प्राप्त होंगे और घर में मनी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, ये पूरा एस्ट्रोलॉजी के हमारे ये पूरा एक वास्तु का एपिसोड बनाया हुआ है। ये एपिसोड के माध्यम से हम आपको यही समझाना चाहते हैं, घर का वास्तु दोष भी आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।